आज हम शॉपिंग करेंगे 1 यूरो से। मेरे को लग रहा है कि भाई ये तेरे अंडे हैं। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। इसका व्लॉग काफी ज्यादा स्पेशल होने वाला है। तेरा दिल बैठा जा रहा है, कुछ तो बोलो। आज हम शॉपिंग करेंगे 1 यूरो से। सच्ची में? अरे हाँ भाई हाँ। 1 यूरो में देखते हैं कि कितनी सारी चीज आती है। तेरा टाइम स्टार्ट होता है 3, 2, 1 एंड गो। भाई तेरे को सारी ग्रीन चीज लेनी है। ओके सबसे पहले हम लेंगे चिप्स। चिप्स नहीं है भाई, और क्या है? ये भी ले सकता है तो। हाँ ये पॉपकॉर्न मेरे को नहीं अच्छा लगता। मेरे लिए लेना भाई। 1 यूरो में पता नहीं गाइस कितनी सारी चीज आएगी। A few moments later, गाइस इतनी सारी चीजें ले रहे लगता है कि बैग ही फुल हो जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। 20 वाला चलेगा ना, हमारे पास यूरो है। यूरो बिस्किट सेक्शन में तो भाई कौन से बिस्किट मिलेगी ग्रीन कलर के? गुड्डे मेरे को तो हमारे कुत्ते खाते हैं भाई। तू भी एक कुत्ता ही है ना। केक तो नहीं मिली लेकिन केक से भी अच्छी है। बिस्किट नहीं मिला। हाँ ये देख केक। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे बिस्किट है और पीछे भी है, पर ग्रीन कलर की बिस्किट बहुत ही कम है। ये वाली है कोकोनट वाली है। क्या दिखाएगा? इलायची वाली। ओह माय गॉड गाइस, इसका टेस्ट बहुत ही बकवास लगता है। मोमोज भी ले सकता। मोमोज तो नहीं ले सकता, 1 यूरो में नहीं आएगा। अभी चॉकलेट सेक्शन में आ गए है पर यहाँ पे तो एक भी चीज नहीं मिल रही है। क्या नहीं ये क्या है? 50 रुपीज का। माय गॉड गाइस ये तो बॉल है। ये देख ये चीज मिल रही। खा ले, लेटस लेके आ गया। हम शॉपिंग कर रहे थे और हमको यहाँ पे मुर्गी के अंडे मिल गए हैं। ये देखो, ये मुर्गी के अंडे। मेरे को लग रहा है कि भाई ये तेरे अंडे हैं। गाइस ये देखो कैसी चॉकलेट है। इधर भी है। कब भी ट्राई नहीं किया। ये क्या है? भाई तू वैसे भी कछुआ ही है, कुछ होता नहीं है। गाइस यूरो से शॉपिंग तो नहीं हो पाई क्योंकि लेने से ही मना कर दिया। बस हवा निकल गई इसलिए हमने पोपट हो गया। बारिश इतनी ज्यादा गिरी, इधर भी पानी और इधर भी पानी। अभी बंदा जाएगा किधर से बोलो। इतना ठंडा ठंडा है ना। माय गॉड, अभी रनिंग का प्लान थोड़े दिन तक कैंसिल। रनिंग नहीं हो पाएगी गाइस। ग्राउंड में बहुत ही ज़्यादा पानी है, पता नहीं गरबा कैसे खेल पाएंगे। मिट्टी भी डालनी पड़ेगी गाइस। पहले हम है ना इधर गरबा खेलते थे, अभी पीछे खेलते हैं। और देखो अभी बहुत ही ज़्यादा पानी है। आज मॉम ने पहली बार घर पर पनीर बनाया है बहुत लंबे टाइम के बाद। और ये देखिएगा इस पनीर कैसा बना है। थोड़ा सॉफ्ट है और टेस्ट में तो एक नंबर लग रहा है। और आधा पनीर तो मेरी बहन खा गई। वो बहुत ही ज़्यादा फुक्कड़ है, इसको है ना संभाल के रखना पड़ेगा। इतनी मेहनत करके मम ने बनाया और आधा तो खा भी गई। ऐसा बहन किसी को नहीं मिलनी चाहिए। तो बारिश की सीज़न में अक्सर एक चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बंद हो जाती है और वो चीज़ है गाइस लाइट। ये देखो वहाँ पर चल रही है, ऊपर की बंद हो गई। लगता है कि फिर से मैजिक होगा, पता नहीं क्या हो रहा है। हमारे घर पे है ना 2 पॉट से बहुत ही प्यारे अभी लग रहे हैं। ये देखो और ये दूसरा वाला पौधा देखो कैसे बाहर निकला हुआ है बालों की तरह, मस्त लग रहा है। सभी दिन काफ़ी ज़्यादा कम बचे हैं और नवरात्रि का डेकोरेशन करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम निकल जाएगा। मैंने तो मेरा डेकोरेशन सोच रखा है, मेरी बहन का डेकोरेशन पता नहीं कैसा होगा। इस बार डेकोरेशन करने का का छाता है ना उसी की तरह है। ये देखो टूटा हुआ। इसके हाथ में कुछ नहीं टिकता।
एक जगह से तो फट भी गया है।